चमन पशीन मुस्लिम बाग कान मेतरजई किला सैफुल्ला में बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। रेस्क्यू टीम ने सैलाब में बह जाने वाली खातून और दो बच्चों की लाशें निकाल ली, जबकि दो बच्चे ताहाल लापता हैं। मकानात मुनहदिम होने से 15 अफराद जख्मी हुए, जिन्हें तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। वड बेला ओथल और बिंदर के इलाकों में मुसाफिर बड़ी तादाद में फंसे हुए हैं, जबकि टावर्स बह जाने से मवासलाती निज़ाम मफलूज हो गया है। क्वेटा कराची शहरा पर दोबारा बारिश से भी मुसाफिरों की मुश्किलात में इजाफा हुआ है और हकाम का कहना है कि क्वेटा कराची शहरा इतवार तक बंद रहेगी। चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान का कहना है कि सूबे में 500% ज़्यादा बारिशें हुई हैं, जिससे बेपनाह नुकसान हुआ है। अब तक हादसात में हलाकतों की तादाद 111 हो गई है, जबकि सैकड़ों मवेशी भी हलाक हो गए हैं। गए पुल के उस साइड पे कोई सहूलत नहीं है, कुछ भी नहीं है, ना हेलीकॉप्टर आ रहा है। छोटे छोटे बच्चे भूख से मर रहे हैं। एक बच्चा मर गया है, दूसरे जिंदे हैं। अब तक कोई हुक्मरानी तरफ से कोई हेलीकॉप्टर नहीं है, कुछ भी नहीं है। बच्चे भूख से मर रहे हैं। हम गरीब हैं, हमारा आवाज सुनो, किसी हिसाब से हमारे को हेलीकॉप्टर चाहिए, हम बच्चे निकाल सके। तीसरा दिन है पेड़ों पे लटके हुए बच्चे, छोटे छोटे मासूम है, उनको बचाओ कुछ। तुम मुसलमान हो, मुसलमानों का एहसास करो। तीसरा दिन से एक दिन भूख लगता है, बच्चे को क्या हाल होता है।